guys, welcome back to our channel. I'm Shweta. And I'm Shreya. So guys, we are back with another video today. और आज हम लोग reaction देने वाले हैं Glory album के एक और new song पे, जिसका title है शीशे वाली चुन्नी. तो इसमें मतलब collab है, ये भी गिरी कमन के साथ collab है ये. और हमने इनको पहले नहीं सुना है. We don't know who is he. बट अनएक्सपेक्टेड कोलैप्स होते हैं. कौन है वो? और वो बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं. नहीं सुना. और वो कोलैप्स बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं इस एल्बम के जितने सॉन्ग से. इसके पहले भी लास्ट वाला जो रैप गॉड पर हमने दिया था वो बहुत तो अच्छा लगा था. हाँ. तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग रैंडमली चूज कर रहे हैं सॉन्ग्स इस एल्बम के और उस पर रिएक्शन दे रहे हैं, और सारे सॉन्ग ही एक से बढ़ के एक निकल के आ रहे हैं. तो हम लोग ये सुन लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल गिव आवर रिएक्शन. तो स्टार्ट करते हैं. मन देवे ना तू भड़क रे छोरी, बिजली जी सा कड़क रे छोरी, तेरा दामन बामन गजियाड़ा रोक दे दिल की धड़क रे छोरी. तन झज्जर ते सिलवा दियो सूट चुनरी आला, लुगाई बनाऊं अपनी सू छोरा गुड़गामे आला, लत्ती में मा तेरे आगे ढोवे पानी रे. तन सिसे आली चुन्नी में ले आ दियूं रानी रे, रथार गाड़ी में रात्या ने घुमा दियूं रानी रे, रथार गाड़ी में रात्या ने घुमा दियूं रानी रे. तन सिसे आली चुन्नी में ले आ दियूं रानी रे, रथार गाड़ी में रात्या ने घुमा दियूं रानी रे, रथार गाड़ी में रात्या ने घुमा दियूं रानी रे. लगे अंजलि ना सी एक नंबर बाटी से, देर न कर जाता छोरी खड़ी शर्ट के गाड़ी से, सितरा पटोला से शहर में तेरा रोला से, भीतर ने आ जा छोरी यो थार न उड़न खटोला से, मेरे तैला डोरा नहीं जा तू तो ना कर दे, राता ने फोन मिला के बेबी सोना कर दे, कोई कांड भयंकर रे छोरी तू करके मानेगी, खड़े पैर यो पित्तल ने तू सोना कर दे, बारिश कर दू पीछा की सू मोटी सामी रे. तन सिसे आली चुन्नी में ले आ दू रानी रे, रथार गाड़ी में रात्या ने घुमा दू रानी रे, रथार गाड़ी में रात्या ने घुमा दू रानी रे. तन सिसे आली चुन्नी में ले आ दू रानी रे, रथार गाड़ी में रात्या ने घुमा दू रानी रे, रथार गाड़ी में रात्या ने घुमा दू रानी रे. नू तो मुझे पंजाबी में यो यो नहीं सिंह क्या मैं इब मेरी हरियाणा बीबी सुन ले छोरी शी छोरी तू चाड़ा चाड़ा जाने का गाड़ा गाड़ा बेरानी कद गालेगी गालेगी गल में माड़ा तू मेरी दुल्हन बन जा यो यो तेरा बन जा दूल्हा तेरी गल्ला फोटो लेना चम्मच पे ले रसगुल्ला चलेगा चलेगा रे प्यारे फिर खुल्लम खुल्ला तू जिस पे रोटी पोवे हो मेरे घर का चूल्हा इब कच्ची हाँ बोले तू जो चाहुआ बोले तू बापू ने बापू बोले मेरी माँ ने माँ बोले तू. तन सिसे आली चुन्नी में ले आ दियूं रानी रे, रथार गाड़ी में रात्या ने घुमा दियूं रानी रे, रथार गाड़ी में रात्या ने घुमा दियूं रानी रे. तन सिसे आली चुन्नी में ले आ दियूं रानी रे, रथार गाड़ी में रात्या ने घुमा दियूं रानी रे, रथार गाड़ी में रात्या ने घुमा दियूं रानी रे. बस एंजॉय करना है सारा एल्बम ही. पूरा एल्बम ही फायर है. जब हमने मिलियनियर डाला था तभी कमेंट्स आ चुके थे कि पूरा एल्बम ही फायर है. एंड हमें एक्सपेक्टेशंस भी थी क्योंकि मिलियनियर बहुत अच्छा सॉन्ग था. बट उसके बाद जब हमने लोनीता सुना सच बोलूं तो इस लेवल का होगा ये नहीं सोचा. हाँ मतलब इतना अपर लेवल पे मतलब क्या कमबैक हुआ है ये सोचो ना. हाँ हनी बाजी को हमने इसके पहले भी सुना है बट इस बार ये
अचानक से एकदम छलांग मार के आए हैं। हाँ, मतलब जैसे 2019 से हम लोग कैसे 2024 में आ गए पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, बीच के चार साल टाइम कैसे बीच के चार साल कहाँ हो गए समझ नहीं आ रहा है। का लास्ट सॉन्ग भी था उसके बाद उन्होंने ये तो एल्बम ड्रॉप कर दिया, इसमें एक के बाद एक बैंगर डाले हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से इतना आइडिया निकल के आया। हरियाणवी में रैप करता है ये फर्स्ट टाइम, मतलब सोचा भी नहीं था यार हनी भाजी। अब जब वो आया ना कि तो नहीं नहीं एवे तो पंजाबी में यो हनी कहते हैं, लो जी अब मेरी हरियाणवी भी सुन लो। एंड उसके बाद जो उनकी वो हरियाणवी पोर्शन आई इस बार मुझे धक्का लगा था, पिछली बार इसको धक्का लगा था वो राजस्थानी फोक सॉन्ग सुनकर, इस बार मुझे धक्का लगा था हनी भाजी को हरियाणवी में गाते हुए देखकर। Back. To be very honest, the legend is back. यही expectations रहती है एक इस level के artist से। और ऊपर से जब ऐसा हो ना जिसने आपके Bluetooth हिला के सबको हिला के रख दिया था, and उसके बाद जब comeback हो रहा हो and जब आपके expectations से भी 10 गुना ज्यादा level पे आए वो, आप खुद ही हिलकर रह जाते हो। अभी भी कोई है जो बोल रहा है कि comeback नहीं हुआ है? I want to know, क्योंकि मुझे सुनने में आया था कि कुछ बोल रहे हैं कि अभी भी की कमबैक नहीं हुआ है, तो आप अपना कान ठीक करके आओ जो भी ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि आपको सीरियसली फिर सॉन्ग्स की नॉलेज नहीं है या तो नॉलेज नहीं है या तो कान खराब है या तो आप जेलस हो बहुत ज्यादा, या एग्जैक्टली नहीं बोल रहे, दैट्स व्हाई आप नहीं, या तो बायस हो, या तो बायस हो, या तो लोगों के सक्सेस से जलते हो। क्योंकि सच में दिस एल्बम इज फायर भाई, यहाँ पे इस एल्बम के बारे में कोई बात नहीं हो सकती, आप पॉइंट आउट ही नहीं कर सकते, सारे सॉन्ग्स इतने अच्छे हैं, एवरेज तो है ही नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है सारे सॉन्ग्स। तो मुझे तो भाई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनटू 100 बोलो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो हमने सोचा था कि होगा, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनटू, मतलब फर्स्ट में तो ये सोचा कि 18 सॉन्ग्स ड्रॉप किए अचानक से, तो कभी कभी होता है ना जब आप क्वांटिटी देखने जाते हो तो जब आप क्वांटिटी डालते हो तो आपका क्वालिटी उस लेवल का नहीं रहता है, बट वी आर जस्ट शॉक्ड की क्वालिटी क्वांटिटी सब तो बहुत अच्छा फायर, मतलब इस तरीके का ये है कि इस पे नुक्स ढूंढना तो दूर की बात है, आप किस क्लब्स में इसकी तारीफ करोगे वो भी पता नहीं चलेगा, कि हम चाहते हैं कि खत्म ना हो, हमें समझ भी नहीं आता कि कब स्टार्ट होता है और कब खत्म हो जाता है, इतने अच्छे सॉन्ग्स है तो, और कोलैब्स भी बहुत अच्छे हुए हैं, और बहुत सही आर्टिस्ट को ढूंढा है, बहुत सही आर्टिस्टों को ढूंढा है ये मानिपा जी ने। तो खैर हमारा रिएक्शन तो यही था और हमने बहुत एंजॉय किया, मुझे धक्का लगा था एंड वी होप आपको भी अच्छा लगा होगा हमारा, एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम दोनों को साथ धक्का लगे इस लेवल का सॉन्ग, एक एक हो चुका है अब साथ होना चाहिए, देखते हैं कौन सा सॉन्ग हम लोग उठाएंगे किस पे रिएक्शन देंगे, लेट्स सी। सो गाइस दिस वाज आवर रिएक्शन, वी होप आपको अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो डाले तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। एंड गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा हैंडल्स दिए हुए हैं, अगर आप हमें वहां पे फॉलो करना चाहो तो आप हमें फॉलो कर सकते हो। अब हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।